बिना सुनवाई पूरा किए जिस तरह से जल्दीबाजी में जज महोदया ने ये दिया है, ऐसा लगता है कोई दबाव है उनके ऊपर। और इस मामले में दो लोग बरी हो चुके हैं, एक आरोपी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, उसकी हत्या का आरोप है पुलिस के ऊपर। तो ये मामला बहुत साफ नहीं है। और निमेश आयोग की आख्या ये बताती है कि तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, पुलिस के ऊपर आरोप है कि उन्होंने झूठे तरीके से इनको गिरफ्तार किया है। तो जिस तरह से जज महोदया ने ये किया है इसमें कुछ संदिग्ध दिखाई पड़ता है। तो ये जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है, अगर ये फैसले को लेकर जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहस चल रही है जजों की जो है, तो इसमें आप व्यापक तौर पर कैसे देखते हैं? नहीं, जज प्रभावित होते हैं भाई। हम तो यहाँ सिटी मॉन्टेसरी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें कई जज हैं जिनके बच्चे सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं, वो उन मामलों में खुद फैसला नहीं देते हैं, वो कह देते हैं कि हम फैसला नहीं दे पाएंगे। तो जज भी इंसान है, इसी समाज से जाता है, उसके ऊपर भी तमाम दबाव रहते हैं। तो किन दबाव में इन्होंने किया हम लोग को मालूम नहीं। देश की जो परिस्थिति है वो सब लोग देख ही रहे हैं कि एक सांप्रदायिक राजनीति का इस समय उभार है, उसका लोगों के ऊपर दबाव है, आतंक का माहौल है, लोगों से बिना उनकी इच्छा के उनसे काम करवाए जा रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इन परिस्थितियों में भी सही तरीके से तटस्थ होकर अपनी भूमिका ठीक से निभा पा रहे हैं। और ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि ये जज महोदया उस श्रेणी में।